सिंगोड़ी की दो बहनें तन्वी चौरसिया उम्र 6 वर्ष और वैष्णवी चौरसिया उम्र 4 वर्ष दोनों बहनों ने अपने अलग अलग अंदाज में कोरोना वायरस को भगाने और उसे हराने के साथ साथ उससे बचाव के लिए लोगों को अपने अपने अंदाज में लोगों को संदेश दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान और लॉकडाउन के पालन करने को लेकर सभी देशवासियों को सोशल मीडिया के माध्यम से इन छोटे छोटे नन्ही मुन्नी बच्चियों के द्वारा कैसे सरकार के आदेशों का पालन करने, घर पर ही रहने, घर से बाहर नहीं निकलने पर बाहर निकलोगे तो पुलिस के डंडे खाना पड़ेंगे ऐसा कहते हुए नजर आ रही है। ये वीडियो लोगों को खूब भा रहा है, जिसे ये वीडियो लोगों को बहुत जागरूक भी कर रहा है। आप सभी इन बच्चों के संदेश को सुनिए और इनसे जरूर कुछ सीखिए और नियमों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंस बनाए और घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, साथ ही साथ निकलने पर मास्क जरूर निकालें। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों ने महामारी से बचने के उपाय भी बताए हैं। एनटीवी टाइम्स संवाददाता योगेश चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सिंगोड़ी से वैष्णव चौरसिया बोल रही हूँ। कितने बार समझाती हूँ, जो घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलना है उस डंडे मार रहे हैं, घर से बाहर मत निकलो। कितने बार समझाते हैं, क्योंकि बाहर मत निकलना, क्योंकि पुलिस के डंडे पड़ेंगे, खाने पड़ेंगे, क्योंकि मास्क निकलो बाहर, क्योंकि पुलिस डंडे मारेंगी, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है और बीमारी से बचना है, क्योंकि बाहर मत निकलो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कल भी समझाई थी, आज भी समझा रही हूँ। घर से बाहर क्यों निकल रहे हो, पुलिस के डंडे पड़ेंगे, कोरोना वायरस फैल रहा है, बीमारी पड़ रही, सबको मुँह में हाथ रख के खांसना है और मास्क लगाना मुँह में मास्क। और नमस्कार दोस्तों, हम सिंगोड़ी से तन्वी चौरसिया बोल रहे हैं। आप हमने कितने बार समझे थे, इतनी बड़ी बीमारी है ये कोरोना वायरस, बहुत बड़ी बीमारी है, बाहर ना निकले, घर में रहे, सुरक्षित रहे, पुलिस के डंडे ना खाए, घर से बाहर निकलोगे तो पुलिस के डंडे खाओगे, घर में सुरक्षित रहे, बार बार साबुन से हाथ धोए, बहुत बड़ी बीमारी है इसके कारण घर में रहो,